हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। बीपीएससी या कोई भी कंपटीशन या जो भी कमीशन के एग्ज़ाम है उसके लिए पीटी या मेंस के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का टॉपिक। तो पहला टॉपिक है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 के बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा इसे जारी किया गया है। इसमें गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र शीर्ष पर रहे। इस सूचकांक को 5 मानकों के आधार पर तैयार किया जाता है। इसमें मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, अनुपालन, खाद प्रशिक्षण सुविधा, उपभोक्ता संरक्षण के अलावा प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण शामिल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं FSSAI की स्थापना। तो अगस्त 2011 में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं यूपी सरकार ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए शुरू किया बाल श्रमिक विद्या योजना। इसके अंतर्गत हम लोग देखें, इस योजना के तहत सरकार चयनित लड़कों और लड़कियों को क्रमशः 1,000 रुपये और 1,200 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यह बच्चे कक्षा 8, 9 और 10 पास कर लेते हैं तो उन्हें प्रत्येक कक्षा को पास करने पर 6,000 रुपये अतिरिक्त राशि दी जाएगी। राज्य में 57 जिलों के कुल 2,000 बच्चे बाल श्रम विद्या योजना के पहले चरण में लाभान्वित होंगे। अब हम लोग देखते हैं सियाही शेर के बारे में। तो चर्चा में क्यों रहा है, हाल ही में गुजरात राज्य के वन विभाग के अनुसार राज्य में गिर के जंगलों और सौराष्ट्र के अन्य कुछ हिस्सों में पाए जाने वाले एशियाई शेर वृद्धि दर्ज की गई है। तो क्या है, वैज्ञानिक नाम है पेंथेरा लियो पसिका। इसी गणना की शुरुआत हुई थी वर्ष 1936 में प्रथम जूनागढ़ के तत्कालीन नवाब द्वारा। वर्ष 1965 में वन विभाग प्रति 5 वर्ष पे करता है। नेक्स्ट देखते हैं विशेष इसकी, वन विभाग द्वारा नवीनतम गणना के अनुसार इस बार संख्या 674 हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 के बारे में, क्या है ये। तो ये भारतीय मूल के अमेरिका मृदा वैज्ञानिक पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रहे डॉक्टर रतन लाल को वर्ष 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है। प्रति वर्ष बसंत ऋतु में वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन इस पुरस्कार की घोषणा करता है। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर रतन लाल द्वारा मृदा पर किए गए शोध पर मृदा स्वास्थ्य में सुधार, कृषि उत्पादन में वृद्धि, खाद्य की पोषण गुणवत्ता में वृद्धि, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति और जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण का मार्ग प्रशस्त किया है। अपनी कृषि तकनीकी के माध्यम से यह विश्व के लगभग 50 करोड़ छोटे किसानों की मदद कर रहे हैं। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं, उन्होंने शून्य जुताई, कवर क्रॉपिंग, मल्चिंग और कृषि वानिकी जैसी कृषि तकनीकों की खोज एवं रूपांतरण किया जो विभिन्न क्षतिकारकों घटकों से मृदा की रक्षा, जल संरक्षण, मृदा में पोषक, कार्बन तथा जैव पुनर्चक्रण करती है। फलस्वरूप कृषि परितंत्रों और दीर्घकालिक धान्यता में सुधार एवं सूखा, बाढ़ एवं जलवायु परिवर्तन का खतरा न्यून हो जाता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के 3 अलग अलग जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों में कार्बन अनुक्रमण के साधन के रूप में उनकी मृदा स्वास्थ्य पुनर्भरण तकनीक को अपनाया जाता है। वर्ष 2007 में IPCC के उनके योगदान के लिए उन्हें नोबेल प्राइज सर्टिफिकेट दिया गया था। नेक्स्ट फैक्ट है विश्व खाद्य पुरस्कार स्थापना। नोबेल पुरस्कार विजेता वर्ष 1970 एवं कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग द्वारा वर्ष 1986 में की गई थी। इस पुरस्कार के तहत 2,50,000 अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। इसे कृषि का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। डॉक्टर रतन लाल से पूर्व डॉक्टर गुरुदेव सिंह खुश को वर्ष 1996 में यह पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं बांग्लादेश ने कोविड-19 के लिए सोजोदा ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क शुरू किया है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं जो कोविड-19 उपचार से ठीक हुए रोगियों को प्लाज्मा एक्सचेंज की सुविधा का एक ऑनलाइन नेटवर्क है। इसके बारे में देखते हैं कोरोना वायरस से ठीक होने वाले रोगियों से प्लाज्मा के स्टोर और वितरण की सुविधा के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ए आई ए
2I इनोवेशन लैब एंड ई जनरेशन के सहयोग से बांग्लादेश सरकार ने ICT डिवीजन द्वारा यह पहल शुरू की गई है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, राजधानी ढाका, मुद्रा टका है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 के बारे में। तो चर्चा में ये क्यों रहा है, तो पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में भारत 180 देशों में 169वें स्थान पर रहा है। विशेष से इस सूचकांक को एल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सहयोग से तैयार किया जाता है। इंडेक्स को 32 संकेतों को तथा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10 वर्षों के पर्यावरणीय निष्पादन के आधार पर तैयार किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के बारे में। तो पहला फैक्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO प्रति वर्ष 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस आयोजन करता है। इस वर्ष इसका मुख्य थीम है COVID-19 बच्चों की बाल श्रम से सुरक्षा, अब पहले से कहीं ज़्यादा। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं वर्तमान में विश्व में लगभग 152 मिलियन बच्चे बाल श्रम संलग्न हैं। इसमें से लगभग 72 मिलियन बच्चे खतरनाक प्रकृति के कार्यों में नियोजित हैं। विश्व में प्रति 10 बच्चों में से एक बाल श्रमिक है। वर्ष 2000 से बाल श्रमिकों की संख्या में 94 मिलियन की कमी आई है, परंतु हालिया 4 वर्षों में हर दर में 2/3 की गिरावट दर्ज की गई है। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों SDGs का लक्ष्य 8.7 वर्ष 2025 तक बाल श्रम को सभी रूपों में समाप्त करने पर केंद्रित है, परंतु यदि बाल श्रम उन्मूलन अपनी वर्तमान दर की भी जारी रहा तो वर्ष 2025 तक 121 मिलियन बच्चे बाल श्रम में बचे रहेंगे, जहां निम्न आय वाले देशों में बाल श्रमिकों का सर्वाधिक प्रतिशत है तो इनकी वास्तविक संख्या मध्यम आय वाले देशों में सबसे अधिक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विश्व के अल्प विकसित देशों में 5 से 17 वर्ष के प्रति 4 बच्चों में से एक बाल श्रम में संलग्न है। बाल श्रमिक से सर्वाधिक प्रतिशत 1/5 तथा संख्या 72 मिलियन की दृष्टि से अफ्रीकी सबसे आगे हैं, जबकि अफ्रीका एशिया और प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त रूप से विश्व के प्रति 10 बच्चों में से 9 बाल श्रम में संलग्न है। बाल श्रम में सबसे कम प्रतिशत अरब देशों में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत ILO द्वारा वर्ष 2002 में शुरू हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2021 को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन वर्ष घोषित किया है। इस वर्ष इसका आयोजन ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की कृतियों के बाल श्रम पर अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता के लिए सहयोग IPCCLA द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं प्राधिकरण राष्ट्रीय राजमार्ग। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन बन गया है। इससे रिलेटेड फैक्ट को हम लोग देखते हैं NHAI ने यूनिक क्लाउड आधारित एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बिग डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म डाटा लेक और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को खतरनाक कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए लॉन्च किया है। अब इसे रिलेटेड फैक्ट को हम लोग देखते हैं अब NHAI के कर्मचारी बिना किसी शारीरिक संपर्क और भौतिक रूप से फाइलों को छुए बगैर बिना डर के काम कर रहे हैं। अब एग्जाम पॉइंट से हम लोग देखें केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी हैं। NHAI स्थापित हुआ था 1988 में। NHAI की अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह सिद्धू। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं भारतीय फार्मा उद्योग शोध अनुसंधान अर्थव्यवस्था से रिलेटेड ये फैक्ट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं COVID-19 के मद्देनज़र भारतीय फार्मा उद्योग को अपनी शोध व अनुसंधान प्रक्रिया में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। इससे रिलेटेड प्रमुख बिंदु को देखें वैश्विक स्तर पर भारत जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है। नेक्स्ट है भारतीय फार्मा सेक्टर विभिन्न टीकों और वैश्विक मांग का 50% से अधिक आपूर्ति करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत सरकार ने हाल ही में 3,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का बल्क ड्रग पावर्स बढ़ावा देने के लिए योजना मंजूरी दी है। नेक्स्ट फैक्ट है हेल्थ इंपैक्ट फंड को 20,000 करोड़ रुपए के प्रारंभिक राशि के साथ प्रारंभ किया जा सकता है। इस फंड के जरिए कई दवाओं पर शोध कार्य को गति प्रदान की जा सकती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इस फंड के द्वारा COVID-19 के प्रकोप को रोकने उपयुक्त दवाओं की आपूर्ति करने या विकसित करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो।
नेक्स्ट फैक्ट है, सरकार ने शोध एवं अनुसंधान बढ़ाने के लिए वर्ष 2025 तक अपनी कुल जीडीपी का 2.5% इस क्षेत्र पर खर्च करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, साथ ही ग्रीन फील्ड फार्मा परियोजना के लिए ऑटोमेटिक रूट के तहत 100% FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। तो आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण लगा होगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।